सूख जाता है ये भरा हुआ है। चलो कहाँ चलना है पर को? तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि हम आ चुके हैं धौलपुर में, वो हमारी जेगवार खड़ी है पीछे, हमारे भैया के साथ घूमने आए। चलो आपको दिखाते हैं। तेरा YouTube चैनल है? हाँ मेरा YouTube चैनल है लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। हम आपको हमारे YouTube चैनल का नाम बता देते हैं, बाबा जालिम हुक्का। देख सकते हैं गाइस क्या व्यूज आ रहा है, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। चलो आगे मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये देखो गाइस यहाँ पे बोटिंग भी अलाउड है और यहाँ पे बट नहाना अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे दो तीन डेथ हो चुकी है। ये हमारे भाई साहब का गांव है, धर्मेंद्र जी सुख में। ये बहन है ना, इस वजह से कि यहाँ कई वो होती है घटना घटी, कई घटना घट चुकी है। पानी यार, पानी बहुत ज्यादा है, ये खाली रहता है, बहुत सारा खाली रहता है। गाय माता हमारी तरफ आती हुई जबकि हमारे पास कुछ नहीं है। टॉप लाइन पे दूर नीचे ये कुछ जमाने में वहां पर पानी का हुआ माता। चलो अपन डालेंगे इसको अपने चैनल पे और बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। धौलपुर व्लॉग के नाम से डालूंगा इसको वीडियो पे। बहुत शानदार है, अभी तूने कहा देखो दिखने लगते हैं। और गाइस यहाँ पे बोटिंग भी होती है, मुझे नहीं लगता है बोटिंग होती है, पूछो क्यों नहीं होती बोटिंग यहाँ पे, पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ इन्होंने बोट पे लाइटें डाल रखी है। देखो बोट पे लाइटें बना रखी है, फाउंटेन है ये, बोट का ऐसा फाउंटेन है। लाइट शो, नाइट शो होता होगा यहाँ पे, कभी कभी नाइट शो होते हैं यहाँ पे जब मंत्री नेता नांगड़ आते हैं इन बोटों पे नाइट शो होते हैं। हमारे भैया के साथ, ये हमारे भैया हैं और ये हमारा, कौन सी जगह ये? मचकुंड धौलपुर में, मचकुंड महाराज, मचकुंड महाराज जो कृष्ण जी के साथ हुई थी वही वाला रणछोड़ जो। अच्छा रूप धारण किया था ना रणछोड़ दास। हाँ रणछोड़ यही के नाम पड़ा। बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है गाइस, देख सकते हो आप कितना सिनेमैटिक व्यू आ रहा है यहाँ से। ओ भाई कतेज है, ये देखो क्यूट सा डॉग है, उसका पपी बैठा है यहाँ पे सुनसान इलाके में। जैसा देख सकते हैं हम एक और नई प्लेस पे आ चुके हैं, दरगाह पर ढोल, बेस्ट व्यू ऑफ धौलपुर, यहाँ से सही नज़ारा आता है इस जगह का है ना, वहाँ से आता है, ये पेड़ बड़े हो गए ना, पूरा धौलपुर दिखता है यहाँ से। धौलपुर में भी घूमने लायक जगह है, आप आ सकते हो विजिट कर सकते हो। इसके ऊपर खड़ा हुआ ना ये एमपी का बॉर्डर, देख एमपी इधर वो जो घर है ना सामने वो जो दिख रहे हैं उस साइड। तो गाइस आपको हम दिखाते हैं एमपी का बॉर्डर, मेरी आंख में प्रॉब्लम है तो ये मत समझना मैं कुछ हो रखा है मेरे साथ। ये जो पहाड़ी सी दिख रही है ना ऊपर, हाँ। वो एमपी की है, ये आपको दिखेगी नहीं क्योंकि धुंध हो रही है, जैसा पीछे दिख रही होगी पहाड़ियां हैं वो एमपी का बॉर्डर बता रहे हैं हमारे भाई साहब, इन्हीं का तो घर है, यहाँ से दिखता है दिन होता है ना। अरे वो तो सही है तुम्हारी बात, चले है हजरत छत पता नहीं है बाद में पता ही। से चाहते हुए अलविदा कहते हुए देखो तो कहते हुए इमरजेंसी में आए थे तो बेचारे शरफ अब्दुल्ला शाह। ये अपनी जेगुआर वापस आ चुकी है, हमें पता है ये शेवर लग लेकिन हमारे लिए जेगुआर है। और ये टच बटन सेंट काम करते हुए हमारी गाड़ी खुल चुकी है और हम वापस जा रहे हैं घर पे। ये हमारी स्लीपर लगा था, मिट्टी जम गई आंख पे,
फिर वो साफ करी मैंने कॉटन थे मम्मा तो चुपने में हाथ की एस्टेसी मार के रख दी वो तो नो करे मैंने इमरजेंसी में दवाई डाली कान आंख में तब बात ने आराम पड़ो है नहीं नौ सोच लगा यहाँ की एक आंख थे बंद गाड़ी ड्राइवर का ये देख ले ये व्यू है एक आंख से चलाई मैंने गाड़ी पूरी रात यार नहीं 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 आराम आराम चले मैंने कल भी मतलब 50-40 मतलब 50-60 की स्पीड ही ज्यादा नहीं गाइस देखो व्यू धौलपुर सिटी अरे तो हमारे खुद के बच्चा है हम नहीं जाएंगे हम नहीं देखेंगे क्या पी लो मस्त रहो तो ये है देख रहे हैं और अभी हम जहाँ थे मचकुंड महाराज वो वहाँ पर है जहाँ फ्लैग लग रहा है उससे थोड़ा सा आगे कैंपर लेने की सोच रहा था कैंपर ले लूँ यार और ये अपने चिवार नजर नहीं लगे इसको अरे अपन ने कहा है मैं बताऊँ अपन अपने ले नहीं रखेंगे अच्छा कर दिया अपन धंधे की जुगाड़ से लेंगे अपन अपने ये है धौलपुर सिटी देख लो आप सब अब मैं चश्मा अंदर रखा हूँ इसलिए मेरी आंख अजीब सी लग रही है बट डोंट वरी ठीक हो जाएगी आप सबकी दुआ से सब्सक्राइबर हमारे सिर्फ 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 मात्र 97 सब्सक्राइबर हैं अभी भैया बैठे इनके फोन से एक और करते 98 हो जाएंगे फिर चलो चलते हैं घर अब हम इस जगह को अलविदा कहते हैं और अब हम निकलते हैं अपने घर बट यहाँ से जाने का दिल तो नहीं कर रहा लेकिन क्या करें जाना पड़ेगा।